आज हम शेयर करेंगे आपके साथ कच्चे आलूओं का बना हुआ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रंची स्नैक्स, जो कि आप इवनिंग और मॉर्निंग दोनों में एंजॉय कर सकते हो। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी। तो सबसे पहले ना हमें ले लेना है 2 बड़े चम्मच ऑयल। छोटा चम्मच है तो 2 बड़े चम्मच लें, बड़ा चम्मच है तो 1 चम्मच तेल ऐड करें कढ़ाई में। फिर उसमें जीरा, 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। 1-2 मिनट इससे थोड़ा सा भूनेंगे। फिर इसमें डालेंगे सफ़ेद तिल। सफेद तिल डालने के बाद इसे भी 1 मिनट तक भून लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे, जैसे ही 1-2 मिनट तक भून जाए थोड़ा सा इसका कलर चेंज होगा, वैसे ही हमें इसमें डालना है 1 कद्दूकस किया हुआ कच्चा आलू। अगर आपके पास 1 ही आलू है, आप उसे कद्दूकस करोगे तो वो ज्यादा ग्रेड होके हो जाएगा। आलू डालने के बाद इसे हम पूरे मसाले में अच्छे से 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे और फिर इसे इस तरह से भूनकर तैयार करेंगे। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे 1 बड़ा ग्लास पानी। 1 से 1.5 ग्लास पानी आप यूज़ करें, जितना कि आप बना रहे हो। यहाँ पे हमने 1 ग्लास ऐड किया और उसके बाद 1/2 ग्लास पानी और ऐड किया। अब डालेंगे नमक स्वादानुसार और इसे उबलने के लिए छोड़ देंगे। उबलने के बाद इसमें हम डाल देंगे चॉप की हुई हरी धनिया। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे 1 छोटी कटोरी सूजी। सूजी डालने के बाद इसे हम मिलाते हुए पकाएंगे, जिससे कि ये एक आटे के डो में रेडी हो और सूख जाए। इसे इसी तरह से मिलाते रहेंगे और कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी होती है, और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि ये आटे के डो में बनने के लिए रेडी हो जाए। तो ये था बहुत ही इजी स्नैक्स बनाने का फर्स्ट स्टेप। उसके बाद हम एक बर्तन को तेल से ग्रीस कर लेंगे और जो अभी अभी हमने बनाया था आलू और सूजी का डो, उसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और इस तरह से फैलाते हुए ना इसे हम छोड़ देंगे 10-15 के लिए फ्रिज में, या फिर आप बाहर रखकर भी इसे ठंडा कर सकते हैं। अगर आप इसे फ्रिज में रख के बनाएंगे तो ये काफी ज्यादा फ्राई करते टाइम क्रंची होगा। तो इसे ना हम छोड़ देते हैं फ्रिज पे और इस तरह से इसे ठंडा कर लेते हैं। तब वीडियो हमारी पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी कर लें। ये देखिए ठंडा होने के बाद ये काफी अच्छे से फिट हो गया है एक बर्तन में। अब इसे हम कट कर लेंगे अपने मनपसंद किसी भी शेप में। यहाँ पे आप ट्रायंगल, हार्ट शेप, राउंड शेप या फिर अगर आप इसके गोले बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे आज ट्रायंगल शेप दिया है क्योंकि मेरी हर रेसिपी में बॉक्सिंग और राउंड शेप ही रहते हैं, तो इसीलिए आज मैंने ये ट्रायंगल शेप भी ट्राई कर लिया। इसी तरह से हमने ना एक एक करके सारे को कट कर लिए इस तरह के लंबे लंबे पीसेस में। अब चलते हैं इसे हम फ्राई करने। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में डाल देंगे तेल और उसे एक, जैसे ही वो एक उबलता है ना, गर्म होता है, उस तरह से इसे हम गर्म कर लेंगे। हाई फ्लेम पे गर्म करने के बाद हम यहाँ पे सारे पीसेस को ऐड कर देंगे हाफ ऑफ करके। तो यहाँ पे तेल का यूज़ कम करें क्योंकि इसे ना सेंका जाता है, ज़्यादा डीप मतलब ज़्यादा तेल में नहीं फ्राई किया जाता है। तो यहाँ पे कम तेल ही यूज़ करें, जिससे कि बस ये पीसेस है ना उसमें थोड़े से डीप हो जाए। उसी तरह से हमें इसे फ्राई करना है कुछ इस तरह के कलर्स में। जैसे ही ये ब्राउन होते हैं अलट पलट कर इसे हमें फ्राई कर लेना है और इस तरह से रेडी कर लेना है। एक चीज़ याद रहे, जब आप इसे तेल में डिप करते हो तो इसे कम से कम 3 से 4 मिनट तक ना एक तरफ सेकने देना और 3 से 4 मिनट के बाद इसे दूसरे साइड से भी ऐसे सिकाना। और कुछ इस तरह के स्नैक्स बन करके रेडी हो जाते हैं। इंजॉय करो गर्मा गर्म चाय के साथ, फैमिली के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो पसंद आती है तो लाइक देना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।